हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये हमारा 17वां डेली व्लॉग है। देखें जी, इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बाद में खूबसूरत बन जाती हैं। ऐसी ही एक गलती आज मेरे साथ हुई। वो ये कि आज से तकरीबन कोई साल डेढ़ साल पहले मेरे एक दोस्त हैं मुबशिर बलोच साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये सीज़न आया हुआ है मनी हिस्ट, उसने फ्लैश में लिया हुआ था, ये देखना है। मैंने कहा यार नहीं, मेरे टाइप का नहीं होगा। उसने थोड़ा सा बताया, मुझे नहीं पसंद आया। सो आई जस्ट स्किप दैट कि कभी देखूंगा, मुबशिर ने सजेस्ट किया है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। सो आज मेरे से गलती हुई कि मैं सुबह थोड़ा सा बोर हो रहा था तो मैंने कहा यार एक एपिसोड देख लेते हैं उस सीज़न का। तो जैसे ही मैंने वो एक एपिसोड देखा, मतलब आप नहीं मानेंगे कि मैंने वो एक एपिसोड देखने के बाद 5 एपिसोड और देख लिए हैं, और ये कोई तकरीबन 6-7 घंटों में हुआ है। तो मतलब मैं अभी तक उस सीज़न के 6 एपिसोड देख चुका हूँ। सो बताने का मकसद ये है कि यार जाएं देखें। मैं जिस शो की बात कर रहा हूँ, जिस सीज़न की बात कर रहा हूँ, वो है जी मनी हीस्ट, जिसका 4th सीज़न कल आया था, यानी कि जिस दिन मेरी बर्थडे थी भाई की, उस दिन आया था। काश मैंने पहले से पूरा देखा हुआ था तो मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट होता, लेकिन जाएं, बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी है। और जो भी हो रहा है, अगर आपको लॉजिक के साथ मूवीज देखने में मज़ा आता है, मतलब जो ऐसा लगे कि यार रियलिस्टिक है, मतलब हमारे साथ ये चीज़ें जुड़ सकती हैं कि यार ये हो भी सकता है, पॉसिबल भी है, तो डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट। बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी, क्या डायरेक्शन की है। और अभी तक मैंने 6 एपिसोड देखे हैं, तो 6 एपिसोड को मैं रैंक कर रहा हूँ यार, बहुत कमाल, बहुत मज़ेदार। जाएं देखें, और इस क्वारंटाइन को मेरे ख्याल से आप बहुत यादगार बना सकते हैं अगर वो सीज़न आप देखना चाहेंगे तो। सो इट्स माई सजेशन कि आप जाएं देखें। बाकी मेरे ख्याल से आज का व्लॉग मैंने सीजन को ही दिया है, क्योंकि मैंने कुछ खास किया नहीं, आज घर ही रहे हैं पूरा दिन और सीजन्स देखे हैं, मतलब मनी हिस्ट देखा है। सो अगर कोई और सीज़न आप मुझसे पूछेंगे कि कौन कौन से आपके फेवरेट सीजन्स हैं, तो देखो मैंने बहुत कम सीजन्स देखे हैं, और जी उन सीजन में से सबसे जो मेरा फेवरेट है वो डेफिनेटली आपका भी हो सकता है, किसी ने देखा हो या नाम तो सुना होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स। और उसके बाद वाइकिंग्स बहुत अच्छा है, आप देखें। और जी उसके अलावा रैग्नारोक है आई थिंक नेटफ्लिक्स पे, कुछ एपिसोड्स मैंने उसके देखे थे, वो भी अच्छा है। लेकिन उसके अलावा स्ट्रेंजर थिंग्स हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है वो ना ऐसी चीज़ें जो अंदर के बच्चे को बड़ी फील होती है, मज़ा आता है। स्ट्रेंजर थिंग्स अगर आपने देखना है तो वो भी देख लें, बड़ा अच्छा है। उसके अलावा मैंने 13 रीजंस वाई देखा हुआ है, 13 रीजंस वाई इज़ अ गुड, ठीक है, वो देखें आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। वो भी थोड़ा रियलिस्टिक टाइप फील आता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से के घर पर रहें और अपना ख्याल रखें और सीजन्स देखें, नमाज़ें पढ़ें, सब कुछ करें। लेकिन बात यह है कि अगर आपने सीज़न बाकी देखना और अपना क्वारंटाइन जो है वो आपने यादगार बनाना है, तो जाएं और मनी ही देखें। सो आज के लिए बस इतना ही। आज जो भी हमारी बात होनी थी वो यही होनी थी कि सीजन्स के बारे में बताना था, और आज मैंने डेफिनेटली मनी हीस्ट देखा तो मनी हीस्ट के बारे में आपको बताना था। तो जाएं और अपना टाइम यादगार बनाएं, देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और बातों के साथ। सो आई एम साइनिंग ऑफ। Gotta get out of here tonight. Oh,